कभी कभी आपके क्वेश्चन की बाढ़ सी आ जाती है, तो यार मेरा भी मन करा चलो डुबकी लगा के देखा जाए कि भाई आप लोगों ने क्या पूछा है। सबसे ज्यादा लोगों ने मुझसे इस फोन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, और ये है Redmi का Note 8 Pro। मैं तो ये कह सकता हूँ Xiaomi की तरफ से ये इनका राजा बेटा वाला फोन है। अब मैं आपके क्वेश्चन के आंसर देने वाला हूँ, क्योंकि यार जो भी आपके दिमाग में डाउट है ना, सारे के सारे क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, नाइट में सेल्फी कैसी आती है? वैसे मेरे भाई यहां पर आपको जो सेल्फी कैमरा मिलता है वो मिलता है 20 मेगापिक्सल। नाइट में भी इस फोन की जो सेल्फी है वो आपको निराश नहीं करेगी। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, भाई हीटिंग इशू है क्या इसमें? वैसे मुझे ऐसा लग रहा है अभी तक मुझे इस फोन में 1% हीटिंग इशू का सामना नहीं करना पड़ा है। मैं यहां से पबजी खेलता हूं, बहुत सारी चीजें मैं दिन रात करता रहता हूं, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब यार कहीं कोई प्रोडक्ट में डिफेक्ट है, मैं क्या करूं, बट मुझे तो यार अभी यहां पर कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, Redmi का Note 8 Pro ऑफलाइन कब आएगा? वैसे मैंने जो ये फोन बाय किया है ना, ये बाय किया है मी के स्टोर से, और भैया मुझे HDFC के कार्ड में कैश बैक भी मिल गया है। अभी तो ये आपको मी के स्टोर में मिल रहा है और साथ में अमेजोन में मिल रहा है, तो कृपया करके चाहे आप अमेजोन से ले लीजिए, चाहे तो मी के स्टोर से ले लीजिए। और इसके बाद क्वेश्चन है, Redmi Note 8 Pro में NFC है क्या? ना भैया, यहां पर आपको NFC नहीं मिलता है इंडिया वाले वेरियंट में। अगला क्वेश्चन है, गुड फॉर लॉन्ग टर्म? वैसे मैं आपको इतना कह सकता हूं, चाइना वाले प्रोडक्ट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो, चले तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक। मतलब यार ये फोन आप यूज कर सकते हो, अब यार आपकी किस्मत है बहुत दिन चल जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि यार जब पैसा नुकसान होता है ना तो भाई बड़ा खलता है, बहुत ज्यादा कल्लाता है। और इसके बाद क्वेश्चन है, Redmi का Note 8 Pro में UFS 2.1 का स्टोरेज है कि नहीं है? हाँ यार, यहाँ पर आपको UFS 2.1 का स्टोरेज भी मिल जाता है, बहुत ही अच्छा है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, MIUI 11 कब आएगा Redmi के Note 8 Pro में? भाई आपको 2019 के अंत तक MIUI 11 यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि भाई क्या कुछ फीचर मिलते हैं MIUI 11 में, वो भी Redmi के Note 8 Pro में। जब ये फाइनली आ जाएगा मेरी डिवाइस पे, तब मैं आपको पक्का यूज करके बताऊंगा कि भैया कितना कमाल का है MIUI 11। और इसके बाद क्वेश्चन है, क्या इसमें कैमरा टू API इनेबल है कि नहीं है? हाँ यार, यहाँ पर आपको कैमरा टू API इनेबल मिल जाता है, अपनी फोटो में और भी ज्यादा चांद चांद डाल सकते हो। वैसे मेरे हिसाब से ये बहुत ही कमाल का फीचर है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये सारी चीजें यूज करनी होती है। चलो Xiaomi ने हमारी सुन ली, और आज की डेट में आपके पास बहुत ही कमाल का ऑप्शन है Redmi का Note 8 Pro। अगला क्वेश्चन है, क्या इसमें नोटिफिकेशन लाइट है? हाँ यार, आपको Redmi के Note 8 Pro में नोटिफिकेशन लाइट मिल जाती है। यदि आप लेते हैं Realme का XT तो यार यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन लाइट नहीं मिलती है। मैं तो Realme वालों से ये कहना चाहूंगा कि भाई अब यार आप भी नोटिफिकेशन लाइट देना चालू कर दो, क्योंकि यार बहुत सारे लोग आपसे यही डिमांड बार बार कर रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, Redmi का Note 8 Pro सस्ता कब होगा? भाई ये तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन मैं आपको इतना जरूर कह सकता हूं, कहीं आपको बैंक की तरफ से ऑफर मिल जाए तो आप बाय कर सकते हो Redmi का Note 8 Pro। जब सस्ता होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और इसके बाद क्वेश्चन है, PUBG कौन सी सेटिंग में यहां पर चलता है? भाई यहां से आप HDR सेटिंग में PUBG खेल सकते हैं। भाई PUBG खेलने के बाद बड़ा आनंद आता है, और साथ में फ्रेम ड्रॉप भी देखने को नहीं मिलता है, और यार यहां पर आपको लिक्विड कूलिंग मिल जाता है, ये तो और भी चांद चांद लगा देता है। इसके बाद क्वेश्चन है, बैटरी कितनी देर तक इस फोन के चलती है? वैसे मैं इसको मॉडरेट यूज करता हूँ, मेरा तो पूरा का पूरा दिन निकल जाता है, और जब मैं शाम को इस फोन को लेता हूँ ना, तो भाई मेरी जो बैटरी है 10-20% बच जाती है। मैं PUBG भी खेलता हूँ, मैं दिन रात यहाँ से कॉलिंग भी करता हूँ, वीडियो भी देखता हूँ, व्हाट्सएप में फेसबुक में लगा ही रहता हूँ, और साथ में 24 घंटे यहाँ पर इंटरनेट ऑन ही रहता है। तो यार मेरे हिसाब से Redmi के Note 8 Pro में जो आपको बैटरी बैकअप मिल रहा है ना, वो बहुत ही धांसू है। अगला क्वेश्चन है, क्या कोई भी टाइप चार्जर यहां पर यूज कर सकते हैं? हाँ भैया, आपके पास Realme का टाइप सी चार्जर है तो आप उसको यूज कर लीजिए, Vivo का यूज कर लीजिए, Samsung का यूज कर लीजिए, जिसका मानो उसका आप यूज कर लीजिए, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि यार आपको बॉक्स के अंदर फास्ट चार्जर मिल जाता है,
चलो यार, Xiaomi ने इस बार आपको ये चीज अच्छी दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियो एयरटेल लगा के आवाज कैसी आती है? भाई मेरे पास जियो का एक सिम कार्ड है और साथ में वोडाफोन का सिम कार्ड है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। यहाँ पर जो माइक है वो काफी अच्छा है और साथ में जब आप आवाज सुनते हैं वो भी आपको क्लियर बिल्कुल समझ में आने वाली है। अगला क्वेश्चन है, क्या यहाँ पर सेल्फी फ्लैश है? ना यार, यहाँ पर आपको सेल्फी फ्लैश नहीं मिलता है। अब मैं क्या बताऊं, ये सारी की सारी चीजें यार Xiaomi को देनी चाहिए। और अगला क्वेश्चन है, स्लो मोशन वीडियो यहां पर कैसा है? भाई बड़ा अच्छा स्लो मोशन का वीडियो आप बना सकते हो, 960 FPS का यहाँ पर आपको स्लो मोशन वीडियो का ऑप्शन मिल जाता है। वैसे आज की डेट में स्लो मोशन और टाइमलेस बहुत सारे लोग यूज करना चाहते हैं, क्योंकि यार दिन रात टिकटॉक, इंस्टाग्राम और साथ में यूट्यूब में बिजी रहते हैं, तो भाई आपके लिए यहाँ पर यह भी ऑप्शन मिल जाता है। 64 मेगापिक्सल का कैमरा यहाँ पर कैसा है? बहुत ही कमाल का है, बहुत ही अच्छी आपको डिटेल मिल जाती है और आपको 16,000 रुपए में 64 मेगापिक्सल का सेंसर मिल जाता है। चाहे आप रियलमी का XT ले लीजिए, चाहे तो रेडमी का नोट 8 प्रो ले लीजिए, कोई अच्छा सा मेमोरी कार्ड बताओ इस फोन में लगाने के लिए। भाई मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, फटाफट जाइए और यहां से आप मेमोरी कार्ड बाय कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, कौन सा कलर आपको ज्यादा पसंद आया है? वैसे मेरे पास व्हाइट कलर है, बहुत ही अच्छा कलर है। यहाँ पर आपको ग्रीन भी मिल जाता है और ब्लैक भी मिल जाता है, बट मेरे को यार व्हाइट कलर बहुत अच्छा लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमरा बम्ब बाहर निकला हुआ है क्या भाई? हाँ यार, यहाँ पर जो कैमरा है ना, ये थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, तो जब भी आप फोन को ऐसे रखेंगे ना तो यार आपको सोचना पड़ेगा। तो मैं तो यही कहूंगा, अच्छा खासा वाला आप बैक कवर यहाँ जरूर लगवा लीजिएगा, क्योंकि यार यदि कैमरा घिस गया ना तो भाई फोटो अच्छी नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन है, EIS यहाँ पर कैसा है? भाई जो वीडियो है ना वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ बनता है, EIS बहुत ही अच्छे से काम करता है। एलेक्सा कैसे काम करता है? एलेक्सा के लिए बस यहाँ पर जो आपके अमेजोन की आईडी है उसे आपको साइन इन करना है और आपसे थोड़ी मोड़ी और चीजें पूछेगा, बस सबको यस 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 कर देना है और आपके फोन में जो एलेक्सा है वो आराम से काम करने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका सबसे फेवरेट फीचर कौन सा है? वैसे यार यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन लाइट मिल जाती है जो मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ में डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का भी ऑप्शन मिल जाता है और भाई यहाँ पर जो प्रोसेसर मिलता है ना वो बहुत ही मक्खन है। ये सारे के सारे फीचर मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, यदि कोई फीचर आपको पसंद आता है ना तो यार नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या इसमें एड आते हैं? वैसे फिलहाल जब भी मैं कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करता हूँ ना तो भैया एड देखने को मिलते हैं और साथ में यदि आप मी की जितनी एप्लीकेशन है उनको यूज करेंगे तो भैया एड तो यहाँ पर है। अब धीरे धीरे करके ये सारी की सारी चीजें फिक्स हो सकती हैं, क्योंकि मुझे ऐसी उम्मीद है कि यार Xiaomi को ये पता लग चुका है कि लोग बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या इसमें L1 का सपोर्ट है या नहीं है? हाँ यार, यहाँ पर आपको वाइड वन L1 का भी सपोर्ट मिल जाता है। गेम बूस्टर है? हाँ यार, यहाँ पर आपको गेम बूस्टर भी मिल जाता है। क्या इसमें सारी एप्लीकेशन को डुअल बना सकते हैं? हाँ, ये सबसे अच्छी बात है, चाहे आप व्हाट्सएप को बना लीजिए, चाहे आप फेसबुक को बना लीजिए, चाहे आप किसी भी एप्लीकेशन को डुअल बना सकते हैं। मुझे लग रहा है ये सारे के सारे फीचर रियलमी को भी देने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट कैसा है? अच्छा है, दोनों चीज में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, कोई भी कटौती नहीं करी गई है। IR ब्लास्टर यहाँ पर मिलता है कि नहीं मिलता? हाँ यार, यहाँ पर आपको IR ब्लास्टर मिलता है, आप अपने फोन को रिमोट जैसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FM रेडियो का यहाँ पर सपोर्ट है या नहीं? हाँ, यहाँ पर आपको FM रेडियो भी मिल जाता है। इंडियन यूजर्स को ना तो भैया FM सुनने में बड़ा आनंद आता है, म्यूजिक के लिए यहाँ पर कोई भी कटौती नहीं करी गई, आपके पास जो ईयरफोन है वो भी लगा सकते हैं, साथ में FM रेडियो से म्यूजिक का आनंद भी ले सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल लेंस है या नहीं? हाँ, यहाँ पर आपको गूगल लेंस भी मिल जाता है। और सबसे आखिरी में जो क्वेश्चन है, कौन सा ज्यादा सही है, 15,000 वाला या 16,000 वाला? वैसे मेरे हिसाब से ना
16,000 वाला वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि यार 6GB की रैम और साथ में 128GB की इंटरनल मेमोरी मिल जाती है। 15,000 वाले में आपको 6GB की रैम और यार 64GB की इंटरनल मेमोरी मिलती है। 1,000 रुपए लगा के ना जो आपको मेमोरी मिलेगी वो ज्यादा मिल जाएगी। वैसे आज की वीडियो में मैंने आपके बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए, अभी भी आपके दिमाग में कोई भी डाउट है वो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और यदि आपको ऐसे वीडियो देखने हैं ना तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करना और जस्ट बगल में आपको एक बेल बटन मिलेगी, इसे प्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मन करे तो यार वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल निःशुल्क है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।